सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन की सीटें तय हो गई हैं। जेडीयू 101, आरजेडी 101 और कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार के पश्चिम चंपारण में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में जनता की सरकार नहीं है, केंद्र में सूट-बूट की सरकार है। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि राहुल कांग्रेस के बेबी हैं, उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। खनन विभाग में घुसखोरी प्रदेश में हावी होती नौकरशाही का ताजा उदाहरण। भाजपा विधायक किरोड़ीलाल मीणा के मुताबिक मीणा मीना विवाद भी इसी अफसरशाही का नतीजा है। अजमेर के प्रभारी मंत्री वासुदेव देवनानी ने समस्त विभागीय व्यवस्थाओं को लेकर सर्किट हाउस में बैठक की। अजमेर में एक मॉडल स्कूल बनाने को लेकर आवंटित जमीन पर मुहर लगाई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने चूरू का दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने जनसुनवाई समेत कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सुजानगढ़ एडीजे कोर्ट ने अपनी नानी की हत्या के दो सगे आरोपी भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हत्याकांड दिसंबर 2010। सूरतगढ़ में नाबालिग से अपहरण के बाद दुष्कर्म के मामले में एडीजे कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने आरोपी को 20,000 का जुर्माना भी लगाया है। परिवार के सदस्यों से डांट और मार से बचने के लिए घर से भागे बच्चों को ट्रेन में कुकर्म का सामना करना पड़ता है। जीआरपी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को स्टेशन से गिरफ्तार किया है। जयपुर खनन विभाग घुसकांड के आरोपी को एसीबी आईसीआईसीआई बैंक लेकर गई, जहां सिंघवी के 5 लॉकर को सीज किया गया है। जोधपुर के बासनी ओवर ब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक पर एक अधेड़ का शव मिला है। शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। रिंगस कस्बे महिला के साथ दीनदहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने गला दबाकर महिला को मारने की कोशिश भी की है। मेरता सिटी के रिया बंडी कस्बे में स्कूल में पढ़ने 7 साल के मासूम का अपहरण किया गया। मासूम बच्चा जो स्कूल से आ रहा था तभी उसका अपहरण किया गया। रिंगस कस्बे में वार्ड 8 में एक महिला से दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला से सोने के चेन, अंगूठी, पाजेब और ज्वेलरी लूट ली गई। राजधानी में एक के बाद एक फर्जी पुलिस के मामले सामने आ रहे। जालूपुरा से एक फर्जी पुलिस वाले को गिरफ्तार किया गया है। भरतपुर पुलिस ने शातिर अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने देशभर से सैकड़ों चोरी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जालौर पुलिस ने 2 फरार हेड कांस्टेबल समेत प्रतियोगी परीक्षा में नकल करवाने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी के पास स्कॉर्पियो और एक देसी कट्टा बरामद किया है। हनुमानगढ़ के एक निजी अस्पताल में प्रसूता नवजात की मौत में लापरवाही को लेकर हंगामा किया गया। परिजनों ने डॉक्टर दंपति पर लापरवाही का आरोप लगाया है। निमका थाना में डेंगू का प्रकोप। अस्पताल में पिछले 3 दिनों से डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। डिप्टी सीएमएचओ ने मौसमी बीमारियों को लेकर फतेहपुर, रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़ के राजकीय अस्पतालों का दौरा किया। डेंगू को लेकर छिड़काव के निर्देश भी दिए। अलवर के तुलेड़ा गांव में तेज बारिश से नाले में ज्यादा पानी आने से लोगों के घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के जज जैनेन्द्र कुमार रांका और प्रशांत कुमार अग्रवाल ने झुंझुनू स्थित रानी सती मंदिर दरबार में रानी सती के दर्शन किए। नागौर के मारोट गांव की बकरशाला में बकरे मारने के लिए नहीं, बकरे बचाने के लिए लाए जाते। मन्नत पूरा करने के लोग बकरे लेकर घर और मंदिर पहुंचते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में 3 दिवसीय टेक्नो कल्चरल फेस्ट का आयोजन किया गया। इंजीनियरिंग में 150 से ज्यादा मॉडल का प्रदर्शन किया गया। मधुर भंडारकर की फिल्म कैलेंडर गर्ल्स का नया गाना रिलीज किया गया है। गाने के बोल हैं, वी विल रॉक द वर्ल्ड।